नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया आना तो चाह रहे हैं, लेकिन काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउट ऑफ इंडिया क्यों जाएं, क्या कैरियर होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, अगर आपने MBBS डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो कुछ चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंडिया में MBBS करने के लिए दो ही कंडीशन हैं, या तो आपके नीट के एग्जाम में 600 प्लस स्कोर है, इसके अलावा अगर आपके पास 1,80,00,000 रुपए का बजट है तो आप इंडिया से MBBS कर सकते हो। अगर दोनों ही सिचुएशन में आप एलिजिबल नहीं हो तो आप इंडिया से MBBS करने का भूल जाइएगा। फिर आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि आप 1 साल का और अटेम्प्ट दें, 1 साल और प्रिपरेशन करें और अपने आप को अपडेट करके बुक क्राइटेरिया में नंबर लेके आएं, जो नीट की कट ऑफ जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे दोबारा मेहनत नहीं कर सकता, मुझे MBBS ही करनी है, तो MBBS एब्रॉड का एक आपके पास ऑप्शन बचता है। यही एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो आपको MBBS की डिग्री दिला सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अपन बाहर जाएंगे, कैसा माहौल होगा, इतनी दूरी पर होगा, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई स्टूडेंट दिल्ली का रहने वाला है, अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज केरला में मिलता है तो आप देखिएगा दिल्ली से केरला की डिस्टेंस इतनी ही होगी जितनी दिल्ली से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी कंट्रियों में आप जा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता डिस्टेंस का कोई बहुत बड़ा फैक्टर पड़ने वाला है। दूसरा स्टूडेंट सोचता है लैंग्वेज वेरिएशन, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको साउथ में कॉलेज मिल गया तो साउथ की जो लैंग्वेज है, तमिल, आंध्रा, केरला, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। ऐसे ही आप इन कंट्रियों में आओगे, यहाँ भी आपको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी होती है जो पूरे वर्ल्ड को आज जोड़ी हुई है। अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट है तो हर कंट्री में आपके लिए इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, और हालांकि हर यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट ईयर में जो उस कंट्री की लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज आपका कोई बहुत बड़ा बैरियर आपके सपने के बीच में बनने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी सोचते होंगे कि यार आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इतना अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं है, FMG का एग्जाम देना पड़ेगा। इस तरीके की तमाम नेगेटिविटी आती है जब अपन को एडमिशन नहीं लेना होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे दोस्तों आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा कि भैया मुझे खाना खाना है, और आपके पॉकेट में 1,000 रुपया जो भी बजट है, तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, और जो होटल का मालिक है या जो मैनेजर है वो आपके सामने, सर ओके सर ओके सर ओके सर, आपकी सारी जो आपने ऑर्डर किया वो आ जाएगा। दोस्तों आप किसी ऐसी होटल में जाते हो जब आपके पॉकेट में 100, 150, 200 रुपये हैं या कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ जाके क्या देखोगे कि मेरा उद्देश्य है आज का खाना खाना, मुझे सर्वाइव करने के लिए आज का खाना मिलना ज़रूरी है। तो आप मैनेजर से जाके क्या बोलोगे, भाई यार कोई ऐसा खाना दिखा कि हाँ पेट भी भर जाए और मेरे बजट में भी हो, तो वो आपके लिए ऐसा ही बनाएगा। फिर आप देखना आपका एटीट्यूड डाउन हो जाएगा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको भोजन करना है। ऐसे ही दोस्तों एब्रॉड का रास्ता है। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, सब कुछ वन क्लास होगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपसे पैसा भी क्या ही ले रहे हैं यार। इनकी कॉलेजों की फीस किसी की 15 लाख है, 16 लाख है, 18 लाख है, 19 लाख है। 19 लाख इंडिया के मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस है। अब आप सोचो मैं 1 साल दे रहे हो, यहाँ आप उसी फीस में 5 से 5.5 साल मिल रहे हो, फिर आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया जैसी मिले, तो आप भूल जाइएगा। आपको कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मेरे तमाम मित्र इंडिया के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। हालांकि वहाँ का स्टैंडर्ड यहाँ के स्टैंडर्ड से अच्छा है, लेकिन पढ़ना खुद को ही पड़ता है। अगर आप यहाँ आ रहे हो 25-26 लाख रुपये में अपनी MBBS कर रहे हो, तो आजकल सोशल मीडिया पर इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करोगे तो आप इंडिया में जो MBBS कर रहे हैं उनसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो आपको भी देना है, इंडिया में जो MBBS कर रहे हैं स्टूडेंट उनको भी देना है। अगर आपने 25 लाख रुपए खर्च करके और फर्स्ट ईयर से मेहनत करके वो नेक्स्ट एग्जाम निकाल दिया, तो सोचो आप में टैलेंट भी नहीं था, आप में पैसा भी नहीं था आपके पास, लेकिन आप फिर उन दो टैलेंट वाले और जो इंडिया में पैसे से कर रहे हैं उनके इक्वल आ जाओगे। बस आप आओ यहाँ और मेहनत करो फर्स्ट डे से, और जो आपको लग रहा है कि हाँ हाँ मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। दोस्तों देखो ये स्टूडेंट लाइफ है, यही एक उम्र होती है जो कॉम्प्रोमाइज करना होता है, गलतियों से सीखना होता है। उसके बाद यहाँ से चले जाओगे, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, इंटर्नशिप हो जाएगी, तो फिर आपके पास ऐसा कुछ लोड नहीं होगा। आपके पास जो चीज गलतियों से सीखने का समय, यही सबसे परफेक्ट समय है। तो आप थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है आप हाँ ना हाँ ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में अटके हुए हो, तो एक बार फैसला ले लो, क्योंकि अभी मेडिकल की जो फील्ड है ना सबसे टॉप पर चल रही है, और मुझे नहीं लग रहा आने वाले 10-12 साल में इसमें कोई ऐसा कंपटीशन होगा कि इसमें बेरोजगारी की संभावना होगी। अगर अभी आप MBBS कर लेते हो तो आने वाले 8-10 साल में आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे। दोस्तों ये मेरा एक पर्सनली ओपिनियन था जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ के अनदर यूट्यूब चैनल पर कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, भूगोल, तो यहाँ की जो मेडिकल
मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनकी लैब क्लास है, ऑनलाइन टेस्ट सेंटर, ऑफलाइन टेस्ट सेंटर जो भी हैं, लाइब्रेरी आदि चीज़ों को बड़ी बारीकी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अनदर यूट्यूब चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऑथेंटिक अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।